हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अमेजोन कुर्ती हॉल, जिसमें मैंने परचेज करी है कुछ अनारकली कुर्ती, जो कि आप उसे कैजुअली या फिर छोटी मोटी गैदरिंग है और लाइट पार्टी वियर है तो वो भी कर सकते हो। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, जैसा कि समर सेल आ रही है 23rd and 24th जुलाई को, तो आप बहुत अच्छे डील्स ग्रैब कर सकते हो। काफ़ी सारा ऑफ मिल रहा है, अप टू 50% तक ऑफ मिल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, इजी रिटर्न एंड रिफंड्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे साइजेस ऑप्शंस भी इसमें मेंशन हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए और ये डील्स मिस मत करिए। और आपको कोई भी कुर्ती अच्छी लगती है तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अनदर प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी समर सेल आने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मैंने कुर्ती मंगाई है, वो मंगाई है मैंने फ्रॉम द ब्रांड कीप कार्ट। और मैं बता दूँ, इसमें मैंने मंगाया है एल साइज, और कुछ में मैंने एम मंगाया है, जिसमें मैं जानती हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांड का मुझे एम साइज आता है। तो पहले मैं इस कुर्ती की बात करती हूँ। तो ये बॉटल ग्रीन कलर की कुर्ती है, इसमें ये देख सकते हो आप पिंक कलर का इन्होंने बटन्स दिए कंट्रास्ट रखने के लिए, और इधर इन्होंने लगाई है लेस। बेस्ट पार्ट मुझे इस कुर्ती का लगा है इनकी ये जो लेस है, पहले मैं दिखा देती हूँ। 3/4 ये कुर्ती है, और इसका अगर आप घेरा देखना चाहोगे तो ये देखिए, अगर मैं पूरा कैमरा में कैप्चर करूँ तो भी देखिए नहीं आ रहा। तो काफ़ी अच्छी ये कुर्ती है, इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। इसका मैं टेक्स्चर जो है वो थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, तो ये है। और यहाँ पे इन्होंने साइड में ये देखिए इस तरीके से अगेन एक लेस दी है, तो आप इसको टाई कर सकते हो, साइड में या फिर बैक में ले जा सकते हो। लेस जो है वो इस तरीके से दी है, तो इसमें ये हैंगिंग दी हुई है, तो मतलब काफ़ी अच्छा थोड़ा सा हैवी लुक आता है। और जो इनका बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा दिया है, ऐसे जिगजैग पैटर्न में आप देख सकते हो, कुछ ही गोल्ड प्रिंटिंग है बॉटल ग्रीन में, आप ये गोल्ड प्रिंटिंग है। पूरी जो कुर्ती है ये आप देख सकते हैं, जो पूरी कुर्ती है आगे पीछे पूरा ही प्रिंट है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने कुर्ती मंगाई है वो मंगाई है फिरोजी कलर की, और ये फ्रॉम द ब्रांड यश गैलरी है। यश गैलरी की कुर्तीज, मैं ये सेम टाइप की कुर्तीज अनारकली कुर्तीज इनकी काफ़ी वेयर कर रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, कोई कलर कभी नहीं निकलता है। और मुझे यश गैलरी का जैसे आता है एम साइज, तो देखिए आप देख सकते हो मैंने एम साइज मंगाया है। और ये देखिए प्योर कॉटन की कुर्ती है फिरोजी कलर की, और ये देखिए आगे इन्होंने इधर सीक्वेंस का थोड़ा सा काम किया है नीचे, और यहाँ पे गोल्डन कलर की इन्होंने बटन्स दिए आप देख सकते हो नेक पे, और इस तरीके का जो कट देते हैं ना, इससे जो कुर्ती है काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, आप ये देख सकते हो। और जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके से, मैं पास से इसका थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से ये पूरी कुर्ती है। पीछे भी सेम तरीके की प्रिंट है, इसको वाइट या फिर स्किन या बीच गोल्डन कलर की पैंट या लेगी के साथ आप वेयर करोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। दूसरा, मैं अगर इसका भी घेरा कवर करना चाहूँ तो अगेन आप चेक कर सकते हो कि इसका जो घेरा है वो काफ़ी बड़ा है, अगर मैं दोनों हाथों से भी पकड़ूँ तो मैं पूरा कवर नहीं कर सकती इस तरीके से, देखिए आप। तो उम्मीद कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो इन्होंने नीचे दिया हुआ है बॉर्डर, ये आगे और पीछे सेम दिया हुआ है, मीन्स पूरी कुर्ती में ये देखिए आगे और पीछे सेम दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से जो कुर्ती का लुक है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। इसमें कलर और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो, बट ये मुझे बहुत पर्टिकुलर अच्छा लगा था। तो अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो आप ये वाली परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनदर जो है वो मैंने मंगाया है फ्रॉम द ब्रांड मीरा फैब, और ये प्लाजो सेट है, मीन्स कुर्ती और प्लाजो है, और इसका भी अगेन कपड़ा है कॉटन, और आप देख सकते हो मतलब इसका प्रिंट आप कैमरे में भी देख सकते हो, काफ़ी सुंदर आया है। और ये इस तरीके से ये देखिए फ्लोरल प्रिंट में है पूरा आगे पीछे, ये नॉर्मल कुर्ती है, नॉर्मल एक स्ट्रेट कुर्ती है, इसका जो प्रिंट है वो आप देख सकते हो। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत पसंद आई हैं, यहाँ पर इन्होंने लेस लगाया है जिगजैग पैटर्न में, इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स में बॉर्डर दिया है दोनों साइड, और सिंपल बस में भी उन्होंने ऐसा ही दिया है जैसा इन्होंने स्लीव्स में दिया है, तो काफ़ी अच्छा एकदम डिसेंट सा लुक है। पूरी कुर्ती इसी तरीके से है स्ट्रेट, और साथ में ही जैसा जिगजैग पैटर्न इन्होंने ये कुर्ती में मेंशन किया है उसी तरीके का इन्होंने प्लाजो दिया है। एक्चुअली प्लाजो नहीं है, ये पैंट है,
ये पैंट है, इसमें विड्थ इन्होंने काफी ज्यादा नहीं दी है, तो मुझे इस तरीके के पैंट अच्छे आते हैं। आगे आप देख सकते हो इस तरीके का बेल्ट टाइप में है, पीछे इलास्टिक है, तो आप आराम से कंफर्टेबली आप पहन सकते हो इसको। और इसमें इन्होंने टाई करने के लिए नॉट भी दी है। तो अगर आपको ये प्लाजो सेट, और ये सब अंडर 600-700 के अराउंड है, तो अगर आपको ये सेट पसंद आया है तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें अगर आप कुछ हैवी सा दुपट्टा वेयर करोगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा, डिसेंट सा, और छोटी मोटी गैदरिंग में भी आप इसको वेयर कर सकते हो। मेरा लास्ट जो कुर्ता है वो मुझे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मस्ट बाय है, ये मंगाया है मैंने फ्रॉम द ब्रांड गुलमोहर जयपुर, और इसकी कुर्तीज भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आती है। एक तो इनका जो फैब्रिक होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो हाथ में छूने से पता चल जाता है, और इस कुर्ती की जो फिनिशिंग है ना वो आपको पास से खुद ही दिखेगा। ये देखिए सी, एकदम बारीक सीक्वेंस का काम, उसमें एम्ब्रॉयडरी का काम, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का काम, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं, और जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने चूज किया है वाइट वाइन में, ये जो ऑरेंज शेड से ऐसे बूटी ली है, इसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। ये देखिए ऐसे इन्होंने स्लीव्स दी हैं, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, और आगे पीछे इसका जो प्रिंट है वो बहुत सुंदर है। मतलब इसको आप वाइट प्लाजो के साथ पहनोगे तो बहुत सुंदर लगने वाली है। ये कुर्ती आप, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो इनका मैं पहले घेरा जो है वो अगेन इसका भी मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए स्क्रीन में नहीं आएगा तो बहुत, मतलब मुझे इस तरीके का, अगर आपकी हाइट थोड़ी ठीक है 5'4", 5'5", 5'6" के अराउंड है तो आप आराम से इस तरीके की कुर्ती वेयर कर सकते हैं। इसमें नीचे प्लाजो डाली और बहुत अच्छी लगती हैं। और सेम इसमें भी इन्होंने एक इस तरीके की दी है जिसमें आप ये साइड में बांध सकते हो, टाई कर सकते हो, या फिर पीछे टाई कर सकते हो, तो बहुत ही परफेक्ट लगती है। और सेम इन्होंने जो बॉर्डर है वो, जो लेस वाला बॉर्डर है वो आगे पीछे पूरी कुर्ती में दिया है। ये देखिए तो बहुत परफेक्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो आप ये भी ले सकते हो। ये देखिए तो कैसी लगी आपको ये कुर्ती, और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।